अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस ये कुछ हमारी डिमांड्स और कंडीशंस हैं, बाकी एज सच कहीं कोई इश्यूज नहीं है। ओके, आई अंडरस्टूड मिस्टर अहलूवालिया। गुड। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फोन लेना पड़ेगा। श्योर, या श्योर। ऋषि भाई को फोन करता है। क्या करें? हेलो ऋषि भाई। हाँ आयुष बोल, मीटिंग कैसी रही? क्या मीटिंग यार ऋषि भाई, सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, अब बोल रहे हैं आज ही डील फाइनल करनी है। अरे लेकिन नेक्स्ट वीक फाइनल होना था ना सब कुछ। वही ना, अब बोल रहे हैं कुछ इमरजेंसीज आ गई तो डील आज ही फाइनल करनी पड़ेगी, आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आयुष तो एक काम कर, तू घर आ जा, यहाँ पे बैठ के मुझे सब कुछ बता, सारी डिटेल्स है, उसके बाद डिसाइड करते हैं ना क्या करना। टाइम नहीं दे रहे ऋषि भाई, बोल रहे आज ही डिसीजन फाइनल करना, आज ही सब कुछ डिसाइड करना है। अच्छा सुनो ना, अगर आप अभी बिजी नहीं हो, 10 मिनट है आपके पास, अभी फोन पे बात कर लेते हैं, यहीं डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हो? ओके ओके कूल, बता जल्दी बता। चलो मैं आपको ना सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताया था उनकी एक बारी, आप भी सुन लो फिर बताना क्या करना। बस तुम ना मेरा एक काम कर दो, दरवाजा देख रही हो, वहां से बाहर निकल जाओ और दोबारा लौट के मत आना, हमेशा के लिए यहां से जाओ। बात तो सही है, मैं यहां क्यों? हाँ मुझे हक दिया है बाबूजी ने, दादी ने, बेटी माना है मुझे, लेकिन इसीलिए तो मेरा और भी फर्ज बनता है ना इस घर की खुशियों को संभालने का, और वो मेरे यहाँ रहने से मिट रही है, खास करके ऋषि के लिए। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाऊँ? ऋषि जाने ही नहीं देता। मैं एक काम करती हूँ, चुपके से निकल जाती हूँ, लेकिन अगर बाद में ऋषि को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? हमारी छोड़ो, हमें बताओ ऋषि कैसा है? भाभी ऋषि एकदम ठीक है, मलिष्का ने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया है, आप मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेटर है। बट आप ना प्लीज अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ठीक है ना तो यहाँ सब ठीक है, अब आपसे ही तो ये घर परिवार है भाभी, इसलिए आपको बेकार में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। देखिए ना भाभी, पहले आप कितना खुश रहा करती थी। हाँ, क्योंकि पहले इस घर में मनहूसियत नहीं थी, पर अब है, इसलिए अब खुशी नहीं, टेंशन और परेशानी रहती है दिल में, डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या नया तूफान आएगा घर में। आई नो भाभी, बट लक्ष्मी की मनहूसियत की सजा आप खुद को मत दीजिए, और उसकी वजह से आपको अपनी तबीयत क्यों खराब करनी है? मैं कह रही हूँ ना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए इतना बड़ा तूफान आया और वो आकर चला गया, लेकिन अब जो तूफान लेकर आई है ना, हमें उसे इस घर से निकालना है भाभी। उसका तो अब परमानेंटली कुछ करना पड़ेगा। भाभी आपने कुछ सोचा है कि क्या कर सकते हैं? एक बार ऋषि से मिलाते हैं। जी यही सही रहेगा, चिट्ठी लेके चली जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ और अब मैं वापस भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं, और मुझे ढूंढने भी मत आना, नहीं तो ऋषि पागल ही हो जाता है, फिर मुझे ढूंढने निकल जाएगा, पिछली बार भी कितना परेशान हुआ था। लिख देती हूँ। नहीं नहीं, चिट्ठी लिखने से तो वो और परेशान हो जाएगा, और फिर तो कुछ भी कर लो रुकेगा ही नहीं, ढूंढने तो पक्का आएगा, और फिर वापस भी लेके आने की जिद करेगा मुझे। सब रहने ही देती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ यहाँ से, बस जाने के बाद दादी को फोन कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि मैं वापस नहीं आऊंगी, और उन्हें ये भी बोल दूंगी कि सबको मना कर दे कि मुझे कोई वापस लेने आए भी मत, यही सही रहेगा। मेरे जाने से ही सब ठीक होगा इस घर में, और सबसे बड़ी बात, कोई मुझे निकाले और मुझे अपमान सहन करना पड़े उसे तो यही अच्छा है कि मैं खुद ही यहां से चली जाऊं। हाय डैनी, हाउ आर यू? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम हो कहां? इंडिया में हो ना तुम? परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ।
यस मेरी शादी हो रही है। अरे नहीं नहीं, नहीं विशेष अभी नहीं, विशेष तुम्हें मेरी शादी में आके ही देनी है, फोन पे नहीं लूंगी कोई भी विशेष, ठीक है? सो यू हैव टू बी देयर, अभी मैसेज कर रही हूँ डिटेल्स तुम्हें, ठीक है? बाय। कमाल है ना, डैनी यहीं पे, उसको सारी डिटेल्स भेज देती हूँ, ये हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ। क्या हो गया, क्या हुआ? ये शादी नहीं हो रही है। ऐसे क्या देख रही है हा? दादी हूँ दादी, तू बता घर छोड़ के जा रही है? झूठ तो बोल नहीं सकती। इधर देख, इधर मेरी तरफ ऊपर देख, पकड़ लिया ना मैंने। क्यों घर छोड़ के जा रही है? क्योंकि यही सही है दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्यों नहीं रहना चाहिए? बेटी है तू इस घर की, तो बेटी भी कभी ना कभी तो विदा लेती है ना। हाँ जरूर विदा लेती है, लेकिन शादी के बाद। इस तरह घर छोड़कर भागा नहीं करती बेटियाँ। दादी तो आप यही समझ लीजिए कि मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैं विदा ले रही हूँ। तू गए और मैं मान लूँ, और वो भी इतनी बड़ी बात, और जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उसका क्या? तू झूठ बोलकर सबसे नजरें बचाकर चुपचाप जा रही है, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है दादी, और आप प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मत रोकना मुझे, अब मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो या रिश्तों में मन मुठा खाए। ये हमारी बदनसीबी है कि इस घर के लोग सोचते हैं कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग होती है, मन मुटाव होते हैं, और तू भी ऐसा सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरी वजह से ना तो मन मुटाव होते हैं, ना इस घर की शांति भंग होती है, ना आज तक हुई है ना कभी होगी। नहीं जाएगी तू दादी, प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे। जाना है, ठीक है जा, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जा। भाभी लक्ष्मी तो घर छोड़कर जा रही है। तू कोई चोर गुनहगार नहीं है, तू इस तरह से मुंह छुपाकर जाएगी सबसे। तो जब भी इस घर से जाएगी ना, पूरे मान सम्मान के साथ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? What मान सम्मान and all? और जब ये लड़की अब खुद की विश से, अपनी मर्जी से इस घर से जाना चाहती है, तो ये सब बातें बीच में कहाँ से आ गई मॉम? जाने दीजिए ना इसे। दादी प्लीज आप जाने दीजिए मुझे, मैं सच में नहीं रुकना चाहती। हाँ मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। कैसे कोई नाता नहीं है? नाता था, नाता है और हमेशा रहेगा। मैंने कहा ना तू इस घर की बेटी है। Enough, Mom. Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।